आप तो मुंबई का मुलगा है फुल एकदम। तीन बत्ती चार रास्ता नाम है। हाँ। शांताराम वी शांताराम साहब ने मरूम उन्होंने बनाया था ये जी। और वहीं पैदाइश, वहीं आजू बाजू रहना बहना, वहीं पर किंडरगार्टन, आगे नाना चौकी स्कूल, हाँ जी मास्टर्स ट्यूटोरियल हाई स्कूल, उसके बाद में जेडी वारड़ा, बस जिंदगी निकली वहीं पर। कबड्डी खेले, लंगड़ी खेला, साकली खेला, छुपा छुपी खेले, भावरा खेला, गोटी खेले, टिकट जमा किया, टिकट फेंकते, पैकेट फेंकते थे। How I love पानीपुरी, दही वड़ा डापुरी, and how it does not agree with my stomach. It so doesn't. None of it does. Roll the window down. और किधर बचा था तो उधर भी, तो वहाँ और कहीं नहीं लगा ना, कहाँ कहाँ लगा दिया क्या बोला? हाँ ये हो गया। हाँ भाई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह एक नंबर। अभी आपका कार प्रोटेक्टेड है। आप सबको झाड़ देते हैं, हम लोग भी आपके लिए झाड़ लेते हैं। देखिए तो अकेला ही शाना नहीं, इधर भी इधर। ये लो मैम, आपके लिए भी एक झाड़ लेके आओ। अच्छा मगर इसको अपन कहाँ रखते हैं मालूम है? इधर रखते हैं, हम लोग इधर रखते हैं। हाँ, सब टाइम दिखता रहेगा। और मैं कहाँ रखूँ? आप वहाँ लेफ्ट में रख लीजिए, यहाँ आने गिरे उसको सीट बेल्ट पहना देते हैं। वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी पार्ट बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटेक। जैकी दादा ब्रो कैसे आप? व्हाट्स योर नेम? सिद्धार्थ। सिद्ध। हेलो नीना जी, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी पार्ट बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटेक। पूरा नाम बताना। सिद्धार्थ आलम बायन सर। आलम बायन सर ये नाम है या? इतना लंबा नाम पता है क्या ब्रो? आलम बायन सर भूल नहीं सकते फिर उसको। ले ब्रो झाड़ लगाते रहे ना, प्लांट लगाते रहे छोटे। ले ले झाड़ ले ले। क्या बात है, ये कहाँ से चालू है दादा? कौन सा भाव? ये जो आपका झाड़ लगाते रहे और क्या है कि शुरू कहानी होती है बचपन से होती है। हाँ। जब स्कूलों में हम लोगों को दिया करता था अपना छोटा सा मेथी। हाँ। और हम लोग डालते थे उसको सैंड में। हाँ। और सैंड फिर वो छोटे एक हफ्ते के बाद टीचर को दिखाना पड़ता था। हाँ। कि देखो आया, वो बहुत आनंद में वो चौथी पांचवी पता नहीं, तो वो देख कर ही खुश होगी कि एक हफ्ते के अंदर ये क्या आया बाहर, वो भेजे में कहीं बैठा हुआ था। सही बात। उसके बाद में मुझे सब हरा हरा ही दिखता था। बहुत सुंदर कि हरा, ये हरा है, हाँ, वो भी हरा। अभी हरा के अंदर जब से मैं डैनी साहब को मिला, मेरे दोस्त को, तो उन्होंने बताया कि हर हरा अलग है। एक आम का झाड़ है जी, एक चीकू का है जी, एक पेरू का है। हाँ। ऐसे करते 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 आराम से जाना, कोई हाई नहीं करना। यस। सबको जाने दे, आने दे, और अपन भी अपना जगह पकड़े। देख कैसे निकल रहे बिंदा को देख। मुंबई शहर में एक दूसरे को समझ के चलना पड़ता दोस्त। सही बात है, हम लोग बात सबसे कर रहे हैं। हाँ। तो किसी से नहीं कर रहे हैं। अब वो जा रहा है उससे भी तू बात कर रहा है, उसको जाने दिया, इससे भी बात कर रहा, प्यार सिग्नल मारा उससे भी बात किया। यस। मगर किसको जानता है? नहीं, बस सब तेरी बात को जानता है कि मैं जाना चाह रहा हूँ। वही तो। एग्जैक्टली ब्रो। नीना जी, हाउ डू यू कीप अप विद दिस क्वर्क्स? इतना मस्त क्वर्की, अपने मस्त रहते हैं। इनका तो कॉम्पिटिशन मैं नहीं कर सकती। माता माओ में शक्ति ज्यादा होती है, बाप बाप कुछ नहीं है बिना बिना लेडीज के, बिना माता के, बहन के, किसी लेडीज के। वो शक्ति, असली शक्ति तो वही है, वरना हम लोग अर्ध ही है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमने शो चालू करने से पहले पेट पूजा कर ली, पानी पूरी वगैरह, दही पूरी, सेव पूरी सब खा के आए अपन। ये मुंबई है भेड़ू, कभी तेरे सड़क पे लेके जाऊंगा और मजा आएगा, है ना? हाउ आई लव पानी पूरी, दही वड़ा डापुरी, आह, एंड हाउ इट डज नॉट एग्री विद माय स्टमक। इट सो डजंट, नन ऑफ इट डज। रोल द विंडो डाउन। मुंबई हम लोग क्या लोखंड भी डाल देते तो पिघल जाते, पत्थर भी खा लेते, पत्थर भी लोखंड भी खा जाता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं, आई कम फ्रॉम दिल्ली बेली ना, डायरिया। तो आपको आपको लेकिन जो हमारी सर नीना जी से बात हो रही थी जब आप पानीपुरी से वड़ा पाव पे शिफ्ट मारे, कि आपको कौन सी वाली पानीपुरी पसंद है? क्योंकि वो भी एक हमारा बहुत बड़ी दुविधा है हमारे लिए। सूजी आटा, ठीक है, डन। फिर उसके अंदर आटा, आई प्रेफर आटा, आलू या चना? चना। चना, दैट्स अ रेयरिटी बता नीना जी, कि कोई नॉर्थ वाली पब्लिक ऐसे बोल रही है कि उनको बटाटे के ऊपर चने वाला आइटम पसंद है। हाँ हाँ, तो बटाटा ऐसा नहीं, मैश नहीं करते।
थोड़ा काटते हैं उसमें मिर्च विर्च लगाते, थोड़ा सा आलू डालते ऐसे काट के बॉइल्ड, और थोड़ा सा चना डालते हैं। यस, देखिए हम लोग का फॉर्मेट ऐसा है कि जिस तरीके से हम लोग जिस एरिया से चल रहे होते हैं ना वहाँ की बातें कर लेते हैं, तो आप अपनी अपनी जुहू चौपाटी की कहानियां बता दो अभी हमें। आई हाय बड़ी स्टोरीज है। एक तो बता। हाँ कुछ बताइए, छोटी सी कहानी बताइए। हाँ अरे बुरी बुरी है, जाने दो जाने दे। मेरा तो यहाँ पर ये चौपाटी नहीं, गिरगांव चौपाटी था, वहाँ पर मेरे क्लास का एक लड़का था, उसका नाम था अशोक मोंगा, या और उसका रगड़ा पैटी था, पानीपुरी का दुकान था। क्या बात, तो हर संडे को हमें दोस्त लोगों को बुला लेते थे और खिलाते थे। ये बेस्ट होते हैं सर। हाँ बड़ो, दुकान वाले लोग अपने दोस्त का बेस्ट। सही है यार। आपके आने की कहानी याद है आपको, मुंबई आई और पहला दिन कहाँ उतरी, क्या देखा? वो बुक में लिखा है सारा। हाँ ये देखिए प्लग। ये लेकिन कुछ एक संक्षेप में बता दीजिए हमें। गांधी फिल्म के साथ आई थी। हाँ करेक्ट। ट्रेन में, यहाँ पे शूट थी पुणे में जी, तो उनके साथ आई थी। हाँ। सामान समेत। वाजी और बॉयफ्रेंड मेरा जो स्कूल एनएसडी में मेरा बॉयफ्रेंड था मेरा क्लास में। हाँ। आई वाज विद हिम, तो उसके भरोसे आई थी, वो बाद में आया। तो मैं आई और मैं उतरी और मैंने प्रणाम किया भगवान को, जब धरती पे उतरते ही के भैया ठीक रखना, बहुत बहुत नर्वस थी जी। और मेरे भाई के फ्रेंड यहाँ मेरा रहने का किया गया था सांता क्रूज में, बाजी एक फ्लैट में। ओ, सांता क्रूज आई। एंड मैं सामान लेके सीधा वहीं आई। हाँ। और जैसे ही मैंने घंटी बजाई, एक आंटी ने दरवाजा खोला। हाँ। और उनकी शक्ल देख के मुझे लग गया कि आई एम नॉट वेलकम देयर रियली, एंड आई सरप्राइज सरप्राइज एंड आई सेड आई एम दिस दिस, हाँ आ जाओ आ जाओ बस। तो मैं बाथरूम में बैठ बैठ के रोती थी क्योंकि मैं वहाँ रह नहीं सकती थी, बिकॉज आई वॉज नॉट वॉन्टेड देयर। Yeah. Then my mother said you shift to a hotel. तब तक हम कुछ ढूंढते हैं। फिर मेरी मम्मी के एक फ्रेंड थे जो बैंड्रा ईस्ट में थे, बहुत अच्छे लोग, उनकी दो लड़कियां। Then I shifted to their house. That's the beginning story. So cool. मेरा मेरा घर। हाँ। इस तरह के पीछे गया। हाँ। वाह देखो यहीं पर है 20 साल से। हाँ। Wow. यहाँ 20 साल हो गए? अरे वाह। 3 years actually. तो आपके ऊपर, आपके जर्नी की शुरुआत के ऊपर थे सर मेरे। हाँ जी, मेरी जर्नी की शुरुआत तीन बत्ती ना का वालकेश्वर। यस, आप तो मुंबई का मूल है फुल एकदम। तीन बत्ती चार रास्ता नाम है। हाँ। शांताराम, वी शांताराम साहब ने मरूम, उन्होंने बनाया था ये जी। और वहीं पैदाइश, वहीं आजू बाजू रहना बहना, वहीं पर किंडरगार्टन, आगे नाना चौक पे स्कूल। हाँ जी। मास्टर्स ट्यूटोरियल हाई स्कूल, उसके बाद में जेडी वारड़ा, बस जिंदगी निकली वहीं पर। कबड्डी खेले, लंगड़ी खेला, साकली खेला। हाँ। छुपा छुपी खेले, भावरा खेला, गोटी खेले, टिकट जमा किया, टिकट फेंकते, पॉकेट फेंकते थे। हाँ। क्या क्या करके वहां से निकल के पता नहीं आज बैठा हूँ आपके साथ गाड़ी में, बड़ी गाड़ी, इतने सारे कैमरा लगाए। हमने कभी सोचा ही नहीं था वहां बैठ के कि कोई हमारी इतनी इज्जत करेगा कि चार चार पांच पांच कैमरा लगा के हमसे सवाल पूछ कर लोगों को दिखाना चाहेंगे। नहीं अरे आपकी जर्नी, सबकी, दोनों की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। बट यू हैड अ वेरी लाइक ऑसम मोमेंट जब आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी, वो तो आई कैन नॉट बिलीव दैट समबडी ऑफ दैट स्टैचर कुड डू दैट। I was very surprised that people were so surprised. Really? Yeah. But you just did it out of like, "Aunty, kya, I'm asking for work." No, I then? Didn't do it because of that. Because people started thinking that I have shifted to Delhi and I don't want to work. Really? Yeah, yeah. वो एज्यूम कर लेते हैं कि मेरी शादी हो गई और माय हस्बैंड इज फ्रॉम दिल्ली, तो बस, तो अब मैं शादी के बाद वहाँ चली जाऊंगी, काम नहीं करूंगी। हाँ। ऐसा एज्यूम कर लिया, मैं तो यहीं रहती थी। हाँ। तो इसलिए मुझे उस दिन किसी ने बोला तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने कहा अच्छा इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा, बिकॉज पीपल थिंक आई डोंट वांट टू वर्क, यू मूव टू दिल्ली। क्या बात है। ये देखिए देखिए हम लोग आजकल नया सेगमेंट चालू किए हैं प्रोटेक्शन के फंडे, उसमें हम लोग ऐसे फन रैपिड फायर टाइप चीज की बातें करते हैं, ठीक है? आप दोनों ट्रैवल लवर हैं, क्यों कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है? नहीं ट्रैवल करना मुझे नहीं, इनको बहुत पसंद है। इनको पसंद है, आपको पसंद है ना? क्या नीना जी, ट्रैवल करना गाड़ी कार में? नहीं नहीं कार नहीं, जैसे घूमना। हाँ दुनिया। आई लाइक टू डू ट्रैवल, या आई लाइक टू ट्रैवल। बट किधर किधर आपकी फेवरेट डेस्टिनेशंस बताओ, कहाँ कहाँ जाना पसंद है? आई लाइक इटली वेरी मच नाउ, या पहले पेरिस बोलती थी, बट नाउ आई लाइक इटली बिकॉज़ मेरे पसंद का खाना भी मिल जाता है वहाँ। वाह वाह वाह।
Italy. Not medieval item, the salads and... No. Pizza I eat wagre. Solid food. I'm not the salad food type. Really? मुझे सैलेड पचता नहीं कच्चा नहीं सही है पत्ता मस्त है अच्छी बात किसी किसी को पत्ता कच्चा जमता नहीं है हाँ उनको उबालना पड़ता है हाँ कुछ ऐसा कच्चा किसी को जमता नहीं है I like carbs basically best same carbs के बिना जमता नहीं है बहुत सही बोली आप सरदर्द हो जाते हैं कार्ब विड्रॉल हो जाता है चलिए नहीं चलिए बॉस मगर उसको हजम भी करने का शक्ति होना चाहिए सही बोले खा कुछ भी खा कितना हाँ, भी खा हाँ, मगर उसको हजम करने का पावर होना चाहिए बिल्कुल सही बोले हाँ और तो, हाँ, बोल आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन बताओ ना मेरा माँ यहीं पर आजू बाजू या तो लोनावला या खंडाला और ज्यादा अगर दूर देखना हो तो महाबलेश्वर इस तरफ दूर देखना हो तो गोवा कोंकण और इस तरफ दूर देखना हो तो माथेरान बस 100 किलोमीटर के रेडियस में खाना उसका गेम खत्म हो जाना चाहिए जहाँ मैं अपना ड्राइव करके जाऊँ आराम से अपने हिसाब से हाँ और वापस भी आ सकूँ कोई सीटी मारे मुंबई से तो बेस्ट मुंबई से सीटी मारे आवाज आना चाहिए उधर हाँ नहीं वो है वो कंपलसरी है देखिए वो तो हमारी कहीं भी ले जा कहीं भी ले जा मैं गया था बाबा के दुनिया भर जाता हूँ मैं न्यूयॉर्क गया था कि दोस्त की शादी पे बाबा के जी आ गया वहाँ पे एक दिन शादी अटेंड की दूसरे दिन पकड़ के आ गया वापस इतना जल्दी हाँ तो वही पूछी गया कुछ देखा गया मैं क्या देखने का था लिबर्टी बोला प्लेन से देखा ऊपर से जा रहे थे तो लिबर्टी लेफ्ट पे थी क्या देखूं सही बात है मशाल लेके खड़ी मेरा दिल ही नहीं करता मेरे को मेरा तकिया बहुत पसंद है मैं तकिया लेके जाता हूँ और एक फिर बिस्तर भी चाहिए हाँ अपनी चीजों टावल चाहिए मेरे को तो सब लेके जाके तो पूरी चीजें ले जाओ तो मैं पागल हो जाता हूँ मैं ना अपनी फ्रेंड्स के यहाँ मेरी फ्रेंड्स के यहाँ पास में रहती हूँ जब जाती हूँ ना मैं कहीं भी जाती हूँ तो उनके यहाँ डिनर पे जाती हूँ ना तो मैं अपना खाना लेके जाती हूँ वो सोचती होगी कि डिनर पे बोला खाना लेके आ रही नहीं नहीं वो ऐसी फ्रेंड्स हैं उनको पता है ना अच्छा, कि आप ऐसी आओगी हाँ तो मैं अपना खाना लेके आती हूँ फिर वो मेरे लिए बनाते फिर भी मेरी पसंद का पर मैं अपना लेके जाती हूँ हाँ। तो एक दिन मैंने उसको बोला मेरी फ्रेंड को बोला कि अच्छा मैं अपना खाना लेके आ रही हूँ वो तो रोटी भी ला रही हूँ मत बनाना सही बात और कुछ और चीज बोली कि ये भी ला रही हूँ वाह वाह तो अपना ड्रिंक भी ला रही हूँ बहुत तो तो उसके हस्बैंड ने मैसेज भेजा ये बेड भी ले उसको बोल देना अपना बेड भी ले नींद बराबर नहीं आती मैं तो लेके जाती हूँ होना पड़ता है तकिया अपना सर अपना रखा हुआ बोले अपन ना जब अपन कहीं भी सोते ना नीनुमा तो 1 लीटर पानी अपना बॉडी का वो खींच लेता है या तकिया और वो बिस्तर कैसा हाँ भे सही है तो वो इसी हिसाब से क्या मैं वही सोच रहा हूँ क्या ज्ञान का हार्ड डिस्क है आपका ब्रेन कहाँ से आप इतना ज्ञान पाए हो ज्ञान के तो मेरे वाले में नॉर्मल है ना ये नॉर्मल है या बगर पानी बॉडी छोड़ता है ना भाई सही बोले लेकिन जब आप बोले तो बहुत जोर से चमका कि हाँ सही बोले हाँ तो तकिए पे भी होता ना तकिया अपना होना चाहिए ना बिल्कुल बाकी कुछ नहीं बाकी भले किसी और का पसीना मिल ले मेरे साथ कोई फर्क नहीं पड़ता थूक ना मिले नीट है तो आप दोनों खुद गाड़ी चला के जाते हैं आप चलाते हो गाड़ी चलाता हूं मेरे को ड्राइविंग नहीं आती आपको नहीं आपको पसंद ही नहीं है क्या आती नहीं सीखी नहीं ऐसा क्यों ऐसा मतलब बट गाड़ियों का शौक था या नहीं था मुझे गाड़ी का नहीं मुझे घर का शौक है घर का शौक है ये अक्लमंद है मैं बेवकूफ था ये घर मिल रहा था और मैंने गाड़ी ले ली आज वो घर देखता हूं तो कुछ और ही लेवल लेजेंड यही घर बोल रहे आप नहीं ये नहीं मतलब ऐसे दिख गया सामने विजुअली सही बोले आप आपको थोड़ा सा गाड़ियों का शौक तो मतलब आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी मेरी हाँ मेरे दोस्त ने दी थी मेरे पास गाड़ियाँ वाड़ी नहीं थी मैं तो चाली में रहता था तो मेरे दोस्त लोग सब सेठ के बच्चे थे हाँ उन लोग उनकी गाड़ी मेरे को दे देते थे चलाने अभी तो मॉडल बन गया ले ले बाइक दे दी हाँ। मेरा दोस्त है राजा ढड्डा उसका बाइक बुलेट चलाता था हाँ तो कई वक्त और फिर उसके बाद में एक सेठ ने दे दिया गाड़ी बोला हाँ। तू हीरो बन गया तो गाड़ी रख ले हाँ। तो मुझे मिलता रहा ये मेरे दोस्त लोग देते रहे उसके बाद फिर मैंने पहली गाड़ी को खरीदी तो फिर एक ट्रायम्फ कर गया था ट्रायम्फ बाइक होती ना बाइक वैसा ट्रायम्फ करके गाड़ी भी होती हाँ। वो खरीदने के बाद बस फिर देखा नहीं फिर तो गाड़ी को शौक चलाने वाला होता है ना बाबा तो एक बात अलग होता है क्या ऐसे कि ऐसा लगता है कि रथ है 300 हॉर्स पावर का यस मगर सीखना चाहिए हाँ। करोड़ों की गाड़ी लाके तू हाथ में दे दिया उसके जो बेचारा कुछ दिन पहले हल चला रहा था
तो वो क्या होता है कि उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, वो दिल है उनका काम करने का, मगर उनका हाथ हार्ड बैठा हुआ है और तेरी गाड़ी करोड़ों की शान पत्ती है तू, और जहाँ भी मतलब जमीन पे वो सीसो भी बन जाता है, स्पीड ब्रेकर बड़ा आ गया तो ऐसे हो जाता है। तो अब गाड़ी किसके हाथ में दिया वो बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई। अगर तू चला रहा है तो तू खर्चा कर, तेरे दिल में जितना आया उतना तेरा शौक है तू कर। जैसा इनका शौक एकदम सही है कि घर लेना, एकदम सही बोला ये, ये 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 पते की बात है कि गाड़ी वाड़ी का शौक ठीक है भाई, मगर असली तो आप घर लो ताकि बढ़े कुछ। ये गाड़ी ले तो नीचे जा रहा है, ये केजरीवाल है, बेवकूफ गधे हमारी तरह बहुत है। ये हम है, हम तो है, बाकी मालूम नहीं। नहीं लेकिन ये आपने खिड़की फ्रेश एयर के लिए खोल ली? हाँ थोड़ा सा, कितने कैसे मालूम वैसा? नहीं क्योंकि किसी की आदत ज्यादा नहीं है ना, ले लेते मुंह में डायरेक्ट मुंह पे मारे ले। तो आप साइड कर दो उसको, कर ले। ऐसा लग रहा है कहीं कश्मीर में पहाड़ पे खड़ा हूँ और हवा चल रही बर्फीली। तो ये बताओ आपके हिसाब से जब कभी भी लोग चल रहे हो तो कोई टिप्स अपना खुद के ख्याल रखने के लिए, क्योंकि अगर वो लोग कमेंट्स में बताएंगे तो एक साइंड पिलो आप दोनों से उनको मिले। क्या मतलब क्या कि कोई प्रोटेक्शन के टिप्स जो लोगों को हमेशा करना चाहिए रोड ट्रिप पे जाने से पहले? देख डालिंग, ध्यान रखने का बेटा सब चीजों का, बच्चे स्कूल क्रॉस कर जाने दे, पुरानी औरतें औरतें क्रॉस करने दे, और तुझे मालूम है कि यहाँ से मैं जाऊँगा उधर ही चिटक जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, सिग्नल है, जाने देना। सबको खबर जाना है, सबको जलना ले जाना ऊपर जी, जल्दी क्यों कर रहे? गाय मत करो, गाय मत कर जाने के लिए, मस्ती में ले और यहाँ वहाँ जरा संभल के गेम कर। और पब्लिक को अपन को संभालना चाहिए, पब्लिक नहीं संभालेगा, अपने हाथ में ब्रेक है जी, अपने को अपन गाड़ी, अपन लोग शाने इधर है, उन लोग रास्ते पे है ना, एक तो रास्ता दिए कम है, मुंबई शहर में बेचारे क्या करें, कोने कोने के अंदर घर बन गया, चलने फिरने की जगह इतनी पतली हो गई, आधे रास्ते के ऊपर दुकानें लगी हैं, तो चलेंगे कहाँ पैसेंजर? ये तो नसीब वाले हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, जैसे ये सीट है, समझे बड़ो? सही बोले आप। हम तो ये निर्भर रहते हैं कि ये जो हमारी जो गाइडिंग कार्ड होती है ना जी, जी। इस कारण हम ये कर पाते हैं। नीना जी आपकी कोई समझ ना रही मुझे तो, ट्रैवल रोड ट्रैवल के लिए जी हाँ, एक तो टायर प्रेशर सबसे पहला, टायर प्रेशर नीनामा, ये बड़े बड़े लंबे डिस्टेंस पे जाते ना, जैसा यूपी का रोड है जो दिल्ली से जाके आगरा मिलता है, फिर अभी जैसा अपना नागपुर का बना है एक्सप्रेस वे है, वो तो ड्राइवर देखते हैं ना भैया। नहीं माँ, ये टायर उन लोगों को ही बोल रहा है कि कुछ निकलता है ट्रिप के लिए तो क्या करना चाहिए, पहले टायर का प्रेशर देख, वो फटता है इसीलिए जाके एक्सीडेंट होता है। करेक्ट बोले, 2 पाउंड बढ़ जाता है, 3 पाउंड बढ़ जाता है गर्मी में, और चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है, तो उसके अंदर हम लोग ऐसे 33 डाल के रखे 35-36 हो गया, जरा कुछ हुआ फटा। yes. तो टायर को देखने का, टायर के उसको प्रेशर को नोट, प्रेशर नोट, थ्रेड नोट, कितना साल पुराना है, फटेला कटेला किधर है, आप लंबे ट्रिप पे गए तो ये सबसे पहला टायर। yes. जूता उल्टा सीधा हुआ तो तू चलेगा कैसे भी, तो जूता है अपनी गाड़ी का। करेक्ट बोले आप, बराबर ब्रो, टायर प्रेशर और मेंबर डाले। बट आपकी अपनी टिप्स भी दीजिए आप। मेरी टिप्स ये है कि एक दो गले नेक का जो पिलो होता है ना, ताकि नींद आए तो उसपे बहुत से तेरे भरोसे हम लोग सो जाएंगे और तू चलेंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ हाथ में साइड में रखने के लिए पिलो ले जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सही। और तीसरी बात यह है कि ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आराम से निकल जाए, ताकि रास्ते में बाथरूम वाथरूम जाना हो, चाय पीनी हो, तो फिर सारा वापस कहीं भी रुकना हो तो आपके लिए सहूलियत पड़े, तो सहूलियत हो। और खाने पीने का सामान मैं हमेशा साथ में रखती हूँ। वेरी गुड। हाँ खाने पीने का सामान, कुछ ऐसे चिप्स विप्स अच्छे लगते हैं ट्रैवल करते वक्त ना, चिप्स थोड़े। आई लव पीपल लाइक यू, आई ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु कैरी फूड। हम लोग अगर लंच ले जाना हो तो रोटी रोल लेके जाते हैं। हाँ। रोटी के अंदर पनीर आलू शिमला मिर्च की सब्जी को रोल कर लेते हैं। बहुत सही। तो एक एक फॉइल में डालते हैं, इट्स वेरी इजी टू ईट ऑन द वे। आलू शिमला मिर्च की सब्जी पे पहले वैसे काफी वादा। ये थे देखिए प्रोटेक्शन के फंडे, आप लोगों को नीचे कॉमेंट्स में बताना ताकि एक साइन पिलो मिलेगा इन दोनों के साथ आपको। बट आलू शिमला मिर्च की सब्जी पे काफी विवाद है, देखिए काफी लोगों को नहीं पसंद आती होती। तो फिर पनीर और आलू बना। नहीं नहीं, मुझे बस बहुत ये बताना था कि मुझे आलू शिमला मिर्च बड़ी पसंद है, बस इतनी सी बात। हम वो करते हैं। और हाँ, चार्जर, यस वेरी इंपॉर्टेंट, मोर प्रोटेक्शन की फंडे, कीप एडिंग टू द लिस्ट। अच्छा प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, बट दिस इज करेक्ट ना, यू हैव कनेक्शन टू द वर्ल्ड इफ यू हैव चार्जर ऑन द गो। या हाईवे पे नंबर्स होते हैं। हाँ, टिश्यू बॉक्स
हाईवे पे वो नंबर होता है जो फटाफट लगता है, लेफ्ट साइड पर रहता है, टायर पंचर हो गया कहीं, रुक गए कहीं, कोई है ही नहीं आजू बाजू, हाईवे पेट्रोल का नंबर होता है 9824 9334 ऐसे नंबर होते हैं अलग अलग हाईवे पे, अपने हाईवे पे मुंबई हाईवे पे है, करेक्ट, एक्सप्रेस वे, टिश्यू बॉक्स दैट हेल्प्स, वेट टिश्यूज आल्सो, पेपर सोप, हाँ पेपर सोप यस, वन ऑफ दोस देसी थिंग्स जो मेरे को अब्रॉड कभी लाइफ में नहीं मिली, पेपर सोप। हाँ पहले ना चंद्रिका का आता था, हाँ चंद्रिका का अभी भी आता है हाँ, सैंडलवुड स्मेल वाला, ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का। हमारी गाड़ी स्टॉप स्टार्ट प्रोटेक्टेड है बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक, बट आप लोग मस्ती में रहने के लिए क्या करते हैं? जैसे आज पानी पूरी खाली है, हाँ, वड़ा पाव खाली है, हाँ, आपके साथ गाड़ी में जाके बातें होंगी, हर जगह जहाँ वहाँ मस्ती है, मस्ती है एकदम, हाँ, तो मस्त में रहने का, यहाँ बैठा हूँ मैं मस्त में हूँ, तो चला रहा है बातें, माय पिक्चर आपने ट्रेलर देखा, मस्त में रहने का, मस्त लगा मेरे को विजय मौर्या जनरली बहुत पसंद है, हेलो सर, क्या डायलॉग लिखते हो भाई, नेशनल अवार्ड विनर है, क्या बोल रही थी आप, पंजाबन है उसमें, ऐसे पिक्चर के बारे में बात कर रही थी कुछ, हाँ मैं पंजाबन हूँ, मेरा नाम है हांडा जी, दिस इज हांडा, और आप कामत साहब, अरे कामत, मैं आई हूँ कनाडा से, कनाडा में मेरे बेटे के पास से मैं वापस यहाँ आ गई हूँ मुंबई में रहने के लिए, वाह वाह वाह, मेरा यहाँ एक घर है, हाँ जी, वो बन पड़ा था, उसको सफाई वफाई करके आ गई, मस्त है ये, लेकिन ऐसे लव स्टोरी जैसी नहीं लग रही, वो फ्रेंडशिप वाली स्टोरी लग रही, हाँ, लव स्टोरी नहीं, नहीं है ना, नहीं, तो ये मेरे को एक जेन्युइन क्वेश्चन है सर, अडल्ट फ्रेंडशिप इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है, दोनों आप लोग अपना तर्क दे सकते हो उस पे, कि आप एक टाइम के बाद वैसी वाली फ्रेंडशिप नहीं बनाते जैसे आपने टीनेज में या कॉलेज में या बनाई थी बाद में, है ना, जो रियल लाइफ में टीनेज वाली जो बात है वो सारी चीजें बंद हो गई है, हाँ, डिस्कोटेक्स थे, जो रेस्टोरेंट्स थे जहाँ जाते थे, हाँ, थिएटर्स थे बड़े बड़े, 1000 सीट के थिएटर हुआ करते थे, वो एक दो चार बचे हुए, वही तो ऑब्वियसली कांट गो टू द सेम प्लेसेस, बट वी स्टिल हैव द सेम एनर्जी, वही एनर्जी हम लोग में अभी भी बरकरार है, अभी भी कोई अच्छा म्यूजिक लगाए डांस करेंगे, हाँ, कोई अच्छे गाना सुन लिया तो उसके साथ उससे ऊपर चिल्ला के गाएंगे, बातें तो वही का वही है, सब बाइक अभी भी चलाएंगे, हाँ, और हेलमेट पहनेंगे जैसा पहले पहनते थे अभी पहनेंगे, तो ये सब छोटी, हाँ हाँ ब्लू हमेशा बेल्ट लगेगा वो भी है, yes. उस वक्त भी लगाते थे, छोटी किसी के दोस्त की गाड़ी में लगाना जरूरी था, हाँ, तो कुछ बदला नहीं है, दाल चावल तब भी खाते थे अब भी खा रहे, हाँ. कभी पानी पूरी खा रहे वही खा रहे, तो मस्त में जो भी कर मस्त में रहे, हाँ. मस्त में रहने का टेंशन लेने का नहीं बाबा, सही बात, टेंशन देने का मैं तो मेरे को तो बोला गया है टेंशन देने का लेने का नहीं, हम ले लेंगे, हम लेंगे आपका टेंशन, मगर उसको टेंशन सत्य है कि आपके टेंशन को जीरो कर देंगे, सही बात है, बट व्हाट आई फील दैट ओल्ड एज friendships, yeah, loneliness, are very relaxed. Okay. अब जैसे ये सुबह laughter club होता है हमारे बीच पे, I should tell about that. बोलना. So my dad when he came to stay with me, yeah. उन्होंने life में कभी exercise नहीं की, तो वो laughter club जो मैं चाहते थे सुबह. अच्छा जी. मैंने उनके लिए वो सब वैसा gear लेके आई और बस उनका सुबह he used to love. And there were like 60 people on his birthday, 60 people were there. Wow. From the laughter club. Wow. I love it. Yeah. मेरे को एक तो ये नहीं पता कि laughter club में सिर्फ laugh भी होता है, जैसे आपने भी बताया कि exercise, मेरे को लगता था exercise होती है और फिर end conclusion laughter होता होगा. नहीं, exercise होती है. है ना? हाँ, वो दी stretches वगैरह ये सब वो होता है ना. हाँ, हल्की होती है. सबसे बड़ा तो प्राणायाम है ना. हाँ, प्राणायाम होता है. हाँ, और उसके पहले होता है व्यायाम. Yes. नहीं पहले क्या होता है नहीं मालूम मेरे को exactly, पकड़ा गया पहले सांस लेते पहले सांस को काबू में उसके बाद वजन को उठाओ पहले सांस को उठाते हैं लोग तो चिल्ला जब हंसते एड्रेनल हिलता है हाँ. नाभि के नीचे एड्रेनल ग्लैंड है हाँ. तो बच्चे हंसते ना सही बोले आप हिल रहे हैं तो पेट हिलता है ना तो एड्रेनल हाई होता है तो सुबह सुबह ये करना और ये सब करना बहुत बड़ी बात है बाबा इधर एक गराज है ना जिधर आप अमूमन पाए जाते हैं बोलते हैं यहाँ पर आप आके नाश्ता वास्ता करके जाते हैं कौन मैं ना सर का आगे आगे गैराज वो अपना मेरा दोस्त है विनोद हाँ हाँ जी तो उनका गैराज है आगे बराबर बोल रहा है सही है ना हाँ क्या रहती है आपकी दिनचर्या जब ऐसे होता है तो ये उसे बोला कि गाड़ी बहुत जरूरी है सर बहुत जरूरी है चला कभी कभी एक्साइट हो गया वो तो ठीक है ना अच्छा है तो नीना जी को नहीं देखे अभी बुढ़िया को कोई देखेगा अरे नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हैं
एक से 40 बच्चा, 40 से 80 एक जवान। यस। और 80 के बाद आप कॉपीराइटर अच्छे हो सकते थे। किस चीज का? एडवर्टाइजिंग के। हाँ तो ले ना, मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ। चश्मे के प्रॉप का पैसा बचा था। सुन रहे क्या भा? हम लोग मुंबई के खानों की बड़ी बात करते हैं, तो लेकिन आप लोग मेरे को बताओ कि आपको कहाँ है वो जगह जहाँ पर आप लोग अमूमन पहुंच जाते हो खाना खाने के लिए घर के अलावा? देखिए मैं तो मोस्टली घर पे खाती हूँ, बाहर का बहुत कम खाती हूँ, और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरा फेवरेट अगर मुझे बाहर जाना है तो महाराजा भोग। अरे वाह, थाली वो मेरी फेवरेट। बट उसके लिए एक रात पहले से थोड़ा कम खाना पड़ता है ताकि आप पूरा एंजॉय कर पाओ। जब आप बार बार खाते रहो वहाँ तो आपको खाना का तरीका आ जाता है। पहले मैं जाती थी तो सब कुछ लेती थी, अब मैं रोटी कम दो लेती हूँ, ये नहीं लेती, वो नहीं लेती, इतना खाती हूँ। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू ईट अ थाली। परफेक्ट, दैट्स अ ग्रेट वन। ये मैंने सोचा नहीं था कि थाली में वो देते हैं सब कुछ, हमें उतना ही लेना चाहिए जो हमारा नीड है। पहले से जितना जो बेस्ट पसंद है वही ले लो। मस्त बोली आप। तो फोकस चीज, फोकस की बात करते हैं। और आपके आपके कौन सी जगह है जहाँ पर आपको जाके खाना पसंद है? पहले तो मैं अपना ही घर का ही खाता हूँ, मैं टिफिन से जाता हूँ, जाया जाता हूँ। मेरा दाल चावल घी अगर कहीं मिल गई, जैसे बदरी घी या पहाड़ों का या कोई कपीला या गिर का, तो वैसे घी अगर मिल गया तो हाथ जोड़ता हूँ, हल्दी और कच्चा हल्दी और वो अदरक ले लेता हूँ, दाल चावल रखता हूँ। वो होने के बाद में टाइगर मेरे को ऐसा लगता है कि पानीपुरी अगर किसी ने बनाया, जैसे गुजराती पूरी बहुत लाइट होता है, वो मेरे को अच्छा लगता है। और वड़ा पाव मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को माथेरान करके मेरा वहाँ पे प्रसन्ननाथ करके एक है, वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ का एक वड़ा पाव है। फिर किधर है ये एग्जैक्टली? माथेरान शार्लेट लेक करे, शार्लेट शार्लट लेक या माथेरान, बाजू में 2 घंटे दूर। हाँ जी हाँ जी, बहुत जाता था पहले, अभी कम किया, मगर जाता हूँ साल में एक बार जाके वहाँ पे खाना मेरा जरूरी है। बारिश होती है और बारिश में जाके खाने का वो गेम अलग है। हाँ, वो एक है। फिर यहाँ पे अपना सिटला अपना कॉलेज है, कीर्ति कॉलेज है जी, फिर दादा स्टेशन पे कहीं है, ऐसे बहुत कोने हैं। बिल्कुल दिखाऊं जितना है। बीच में कंपटीशन भी था जिसको मैंने जाके एक अवार्ड दिया, द बेस्ट वड़ा पाव इन मुंबई। रियली? टाइम्स ऑफ इंडिया का अवार्ड था। अरे वाह जी वाह, बेस्ट वड़ा पाव इन मुंबई। आपने मुझे दिखाया था जब शूट कर रहे थे ना, फोटो भी रखा अभी तक रखे ले बॉस मेरा फोटो। कमाल है, बोला तू यार अभी तक बोला हां मैं नहीं आया था मस्त में रहने का शूटिंग में। बराबर बिल्कुल आपने मुझे दिखाया बराबर। लेकिन आप लोगों को पता था क्या कि वृद्ध लोग जो इटली में है ना, वो लोग काफी काफी सारे वृद्ध मर्द जाके कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं, उनका उस प्रक्रिया का नाम भी आ गया एक। अच्छा, उमरेल करके। ओके। वो लोग सिर्फ हाथ पीछे रखते हैं और सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं। बोलिए बताओ, टाइम पास के लिए क्या क्या करती पब्लिक? हाँ, उसको उसका ध्यान रखते हैं। I mean, नहीं, they're just looking at it, they're just looking at construction happening and sometimes they're giving suggestions to the guys also. So they instead of being in depression and thinking that अरे को मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई तो है, बिल्डिंग है जिससे मैं बिल्डिंग जैसे इन्हों बात करती हैं। हाँ, दीवारों से क्या बात कर रही है? हाँ, मैं अपने आप से लाउड बात करती हूँ, दीवारों से बात करती हूँ। बहुत सुंदर, मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। आप अपना निकाल देती हैं? मैं सारा निकाल लेती हूँ, गाली दे देती हूँ। बहुत सही। हाँ, निकाल देती हूँ। अपने को गाली दे देती हूँ। ऐसा भी? हाँ, stupid idiot, why, how, why you did this? बट ये perception क्यों हो रखी है दुनिया में कि आप बड़ी strict हैं? जो सच्चा बात बोलता है ना उसको strict मानते हैं। सही बोल रहे हैं आप। उसे डरते हैं। डरते हैं, you know? कठोर। कौन डर रहा है आपसे? अरे मेरे से कितने लोग डरते हैं बिकॉज। अच्छा, पहले बताते तो शायद मैं भी डरता, तो मालूम ही नहीं था कि आपको डर भी लगता है। आपके आपके आप कौन से एंगल से डरावने लग रहे हैं? आप मेरे नहीं समझ में आया आपकी बातें। अरे जबान जबान तेज है बाबा, यस दिखा। जबान तेज कहाँ है? मैं वही तो बोल रही हूँ कि मैं बोल देती हूँ खट करके। नहीं, नहीं, नहीं। सत्य है, सत्य बोलना ही तेज है। सत्य बोलना तेज, उसी में तेज नहीं है, जबान सच्ची। वाह, मतलब अच्छा ठीक है। तेज माने ऊंचा बोलना, माने तेज वैसा नहीं, नहीं तेज मतलब मतलब सोटी है, सोटी तेज मतलब सोटी। मेरा हिंदी मेरा अलग है भाई, आपका अलग है। वो अभी आलू बोलेगा या बटाटा बोलेगा? हाँ सही बात है। दूधी बोलेगा या कद्दू बोलेगा? वैसी है। कांदा बोलेगा या प्याज बोलेगा? सपोटा बोलेगा या चीकू बोलेगा? हाँ वही, समझ गया ना बाबा।
मैं किसी मेरे को ना लल्लो चप्पो और वो सब नहीं कर सकती। सही बात, तो मैं साफ बोलती तो लोग डरते हैं। हाँ। अच्छी बात है। बट आप लोग की पहली मुलाकात का याद है आपको, कब कब मिले थे आप लोग? उन्होंने बताया कि वो मुलाकात नहीं थी, वो जो मैंने बताया ना आप आते थे मसावा के शो में। मैं मसावा के फैशन शो पे जाता था पहले, और हर शो पे जाता था मैं। हर शो पे आते थे ये। सही है। हाँ, और जानते नहीं थे हम इतने। हाँ। जानते नहीं थे, हम तो जानते नहीं थे। खलनायक के टाइम पे नहीं बात हुई थी? नहीं, हमारा तो कुछ था ही नहीं था साथ में। नहीं, वहां आ रही ना अकेले वो चोली की, वहां तो हम सही नहीं, हमें बुलाए नहीं। एक्चुअली कुजली में ही पहली बार मिले हैं जी। तो फिर कुजली में मिले आप लोग, दैट इज द फर्स्ट मुलाकात। तभी क्या फर्स्ट परसेप्शंस क्या थी फिर तब? कुछ लड़ो तो रहते हैं। फर्स्ट परसेप्शन नहीं है कि खुजली में मिले थे, व्हाट द हेल आर वी टॉकिंग अबाउट। कुछ सोच के तो बात किया था, खुजली में मिले थे। सो क्यूट। नहीं, परसेप्शन कुछ नहीं था। हमें पता था कि नीना जी पढ़ी लिखी एनएसडी स्टूडेंट रह चुकी है। यस। और आज पता चला एम फिल भी है। वाँ वाँ वाँ। हाँ, तो ये सब बातें जो है संस्कृत में। संस्कृत। हाँ, वो गाइड से लड़ भी ली थी अपने पीएचडी के दौरान। हाँ यार, पीएचडी इज ह्यूज। या तो आई वाज ऑलवेज इन ऑ। मुझे हमेशा जो भी मैंने जहाँ भी देखा मुझे तो अच्छा ही लगा। मुझे तो हमेशा एक ऐसा लगता था वाओ, एक वाओ, एक ऑरा है उनका। या सब कुछ है इनमें, हर एक बात है। सही बोले आप। बहुत कम दिनों में कम बातें हुई है, मगर दिखता है, महसूस कर सकता हूँ मैं। तो मुझे तो ये औरा के साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी एनर्जी बढ़ती है। सही बोले। क्यों नीना जी, आपको क्या परसेप्शन थी, याद है आपको इनके बारे में? हाँ। माफी, तुम बोलो, क्यों बोलवा रहे हो? ये ना बड़े चालू चीज है। ये क्या करते थे कुछ भी में, यहाँ पे भी शुरू में, बाद में इन्होंने बंद कर दिया, डर गए मेरे से। शुरू में और खुजली में मेरे को, मतलब ये मुझे ये बताना चाह रहे थे कि मेरे को एक्टिंग नहीं आती है, तुम बहुत बड़ी एक्टर हो, तुम पढ़ी लिखी हो एनएसडी, मेरे को कुछ नहीं आता। सोनम जो हमारी डायरेक्टर थी, तुम जैसे बोलती जाओ मैं वैसा बोलता जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं आता। इतने बदमाश। नहीं नहीं, तो एक सेकेंड, तब तो मुझे पता नहीं चला, दो दिन का काम था जो भी था। मैंने कहा ये ऐसे ही बकवास, प्रशंसा सुनना चाहता है अपनी जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ आके भी ही स्टार्टेड विद दिस इन मस्त में रहने का। हाँ जी। मैंने बोल दिया, मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा कि ये तुम इसलिए बदमाश हो, इसलिए कहते हो ताकि लोग बोले नहीं 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 तुम तो बड़े अच्छे हो। ही वाज सो गुड, ही यूज्ड टू इम्प्रोवाइज ऑन द स्पॉट, ही रिमेम्बर्ड हिज लाइंस, नथिंग लाइक दैट। ये ऐसे ही बोलते हैं, ये इनकी क्या कहते हैं, हम्बलनेस है जी। हम्बलनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस स्कूल से आया हूँ मुझे बहुत लाड़ प्यार से रखा गया था। okay. क्योंकि मैं जैसा कहा, मैं एक धूल को लेके सितारा बना दिया सुभाष जी ने, मुझे हिंदी वगैरह ये सारी चीज़ें मैं रेडियो पर सुन सुन के सीखा, विविध भारती, क्योंकि सोते वक्त वो सबकॉन्शियस होता है, वो गाने सुनते हैं ना। हाँ, हम सीख नहीं। मैं भी विविध भारती, मैं भी ट्रांजिस्टर साथ में लेके सोती थी। हाँ। नाट्य वेला में नाटक भी सुनती थी 9:30 बजे। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट ही इज वेरी गुड एंड ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस। या एंड ऑफ कोर्स ही इज वेरी गुड लुकिंग। आई सो स्वीट, थैंक यू। आप देखिए, आपके मुंह से आते हुए सारी बातें बहुत खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि यू योरसेल्फ ऑल दोस थिंग्स दैट यू आर सेइंग, सारी चीजें आप पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और मैं आपका चलो लेट अस नॉट प्रेज ईच अदर, वी विल मूव ऑन। नहीं क्यों भाई, क्यों क्यों, दिस इज आल्सो वेरी गुड, तारीफ देना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनकी तारीफ मतलब यही चीज जो है, ये फिगर मैं किसी के और की आंखों से रिफ्लेक्शन की बात होती है कि मैं इनमें क्या देखना चाहता हूँ, मुझे इनमें क्या दिखता है। वो सेम चीज आप किसी और को पूछो तो वो आपको और एक देगा पर्सपेक्टिव, सबका अलग होता है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अच्छा, क्योंकि खुद का और बाबा एकदम बावल हो गया। बट आप लोग सब मुंबई में शूट किए ना ये पिक्चर पूरा? हाँ, मुंबई की सड़कों पे, ऐसी ऐसी सड़कों पे जो शायद फिल्मों में कम दिखाई दिया। हाँ, तो बहुत अजीब अजीब जगह अंदर घुस घुस के भी गए, फिर बाटूंगा की कई कोने में, विखरोली वाजी वाह, दादर बहुत सुंदर, दादर हिंदू कॉलोनी। तो जैसे की अभी आप लोग शूट किए टाउन में जी, और वो हॉर्स शू पार्क अभी रेनोवेट होने वाला है बोलते हैं, अभी 3-4 साल बंद रहेगा।
कौन सा वाला? वो जो जिसमें वो जूते वाला आइटम है ना, वो सुना मालूम है, जहाँ पे हमने शूट किया था। हाँ, इस फिल्म में शूट किया ना, वही तो मालाबार हिल। यस, नहीं पर वो जूते वाला आइटम नहीं, ऊपर वाला आइटम सुना उसके ऊपर है, वो क्या हैंगिंग बोलते हैं ना, हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन इसलिए बोलते हैं कि उसके नीचे वो पानी का टाकी है, जहाँ पे विहार लेक, पवेल लेक, तुलसी लेक, यहाँ वहाँ से पानी आता है और यहाँ साफ करके उन लोग चाबी के सिस्टम से अलग अलग जगह पर भेजता है। वाह, क्या नया सिखाया आपने। बोल रहे क्या वो सर, वो बोल रहा है कि कई साल हो गए, 100 साल हो गए ये बना के जब निकल गए इन लोग। हाँ, अंग्रेज लोग जी, तो उसके बाद में कर रिपेयर करना पड़ता है। हाँ, तो उन्होंने बोला जब खोल ही रहे तो इसको थोड़ा सा बड़ा रेसर्वायर बनाते, फिलहाल छोटा है। जो उस वक्त की बस्ती जो थी उनने भी कुछ 100 साल पहले सोच के बनाया होगा या 50 साल पहले सोच के बनाया होगा, इतने लोग तो आएंगे, लोग बढ़ेंगे, आबादी बढ़ेगी। सही बोले। तो अब आबादी इतनी बढ़ गई कि उनको जरा एक्सपेंड करके पानी अंदर ज्यादा जरूरी तो वो है। तो अच्छी अच्छी चीजें वहाँ की बंद है 4 साल के लिए, मगर हम लोगों ने तो For past 3 days there has been no municipal water coming. तो हमारी टंकी भरी थी तो आता रहा। कल रात को और बिस्लरी वाली जगह इतनी लंबी लाइन, मेरा ड्राइवर खड़ा हो के जस्ट एक लीटर की बॉटल मिली उसको। तो हमने इतना कंजूसी से, मेरे को नाना था, मैं सिर्फ एक मग में पानी डालकर उससे ऐसे स्पंज कर लिया। क्योंकि हम लोग आपकी फिल्म की बात कर रहे हैं मस्ती में रहने का, उसके अंदर कई सारे वृद्ध लोग होंगे जिनको ये रिलेट करेगा, क्योंकि वृद्ध भी नहीं तो भी 55-60 के लोग भी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अपने बेस्ट फ्रेंड से पीसीओ के दौरान मिले हो, उन्होंने देखा शर्मा जी अरे वाह ये तो अपने पहचान करेंगे करके। अच्छा, वैसा एक्चुअली हमारी फिल्म में ना बड़ा अच्छा है, क्योंकि इनका जो जैकी का कैरेक्टर है, हां कामत का जी, वो लोनली है और ही इज नॉट सोशल, so he has a routine boring see life, and then I am Mrs. Honda, when I come I am full of life, yeah, and then to jo pehla hi trailer mein jo aata hai, pehla hi line jo aati hai, wo police wala inse kuch puch raha hai ki aap to ye bolte hai, batana kya puchta hai wo aapse, wo puchta hai ki main bolta ki main I'm not logo se kya social, wo bolta hai you should be social, aap social kyun nahi, नहीं आप अकेले क्यों है, बोलते है मैं सोशल नहीं हूँ, तो वो बोलता है बोले सोशल बनिए ना, यानी लोगों से मिलिए, इंटरेस्ट देखे उनका आपका, तो सही है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप बाहर जाएं या पास, मैं तो पास पड़ोस में भी सबसे इम्पोर्टेंट आपके नेबर्स होते हैं, बिकॉज मुसीबत में वही काम आते सबसे पहले। सही बोली आप। बट आप लोग जब छोटे थे तो आप लोगों को क्या ऐसी 3 चीजें थी जो बुरी लगती थी वृद्ध लोगों की, क्योंकि हमारे एक जनरेशन का एक काफी कई सारे कॉमेडियंस का सेट है जिसमें कई सारी चीजें हैं ऐसी इनके बारे में। कोई मेरा ऐसी तो, मेरा तो बहुत ही लफड़ा था। हाँ क्या? एक तो तब नीना जी यहाँ से राइट लूंगी, यहाँ सीधी इस रोड पे, सीधा इस रोड आगे से राइट, ठीक है। सो मेरा ये लफड़ा था कि उस वक्त नया फैशन शुरू हुआ था जब मैं टीन्स में थी, के सिर में तेल नहीं लग, उसके पहले हम सिरों में तेल लगा के जाते थे बाहर। अच्छा जी। हाँ हाँ, सिर में तेल लगा, रोज लगता था। वाह। तो ये फैशन आया कि तेल नहीं लगाना। अब मेरी जो मुझे मार पड़ती थी माँ से, क्योंकि मैं बोलती थी मैं तेल नहीं लगाऊंगी, जब मेरी कच्ची होगी जाके सब लड़कियां बोलेंगी तो ए तेल लगा के आई। अच्छा, फिर और बेल बॉटम्स आए, तो बेल बॉटम्स, फिर हम बेल बॉटम्स के ऊपर लंबी शर्ट पहनते थे। फैशन पुलिसिंग इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स। फिर हमारा ये हुआ कि टक इन करना है, क्योंकि फिगर बड़े अच्छे थे, टक इन करके बेल्ट पहननी है, तो घर से हम बाहर निकाल के शर्ट में घर से जाती थी। और मेरी दूसरी फ्रेंड्स थी वो तो उनके तो और भी ऑर्थोडॉक्स, वो तो चुन्नी लेके जाती थी शर्ट के साथ, बॉटम शर्ट्स के ऊपर चुन्नी, फिर वहाँ पहुँच के कॉलेज वो चुन्नी बैग में चली जाती थी, शर्ट अंदर टक हो जाती थी। ये आज भी होती है ऐसी वाली चीजें, इटरेशंस के साथ होती है। 100% होती है। आपकी क्या थी ऐसी वाली जो चीजें आपको लगती थी तीन की, ये भाई ये क्यों बोल रहे मेरे को? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे तो मैं सुनता था सबकी। हाँ क्या? मुझे क्या बुरा लगना? हाँ, जो रास्ते में खेल रहे कोई बोल के गया ऐसा टाइप का? कोई कभी भी नहीं। अच्छा, ऊपर से गर्म पानी फेंकते थे तो भाग जाते थे, ये उनको बुरी बात नहीं, बुरा नहीं लगता था। ऊपर से गर्म पानी एक अलग ही सुना मैंने। नीचे क्रिकेट खेलते थे उनके बिल्डिंग, वो ये वो, तो ऊपर से गर्म पानी फेंकते थे।
भागो फिर भागने का फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं बुरा नहीं लगता बुरा कोई किसी चीज किसी कुछ चीज कभी बुरा नहीं लगा किसी का। सही है, फिर ऐसा गाड़ी वाड़ी चला रहे तो तभी कुछ बोलने का आइटम नहीं, कुछ नहीं, कोई क्या बोलने का उल्टा। तो मैं उन लोग जितना उनको इज्जत देता हूँ मैं किसी और को नहीं देता हूँ जो रास्ते पे घूम रहे ले। सही है, वेरी गुड, मस्त आइटम। हाँ, नहीं बहुत सही है भाई। जैसे कि तीन वृद्ध लोगों की बातें की, वैसे तीन आपको हमारे जनरेशन की बातें क्या फैसिनेट करती है? आपके जनरेशन की बातें क्या फैसिनेट करती है? हाँ, या अच्छी लगती है? आप भी ले सकते सर, ऐसा कुछ ऐसा आपको मस्त लगता है तो हम लोग का तौर तरीका सब मस्त है। हाँ क्या, हाँ तुम लोग सही है यार। हम लोग कौन होते बोलने वाला, हम लोग नहीं भी तो वही किए जो तुम लोग कर रहे। जैसे कि मतलब ऐसा अभी बताओ। नहीं आप कुछ बोल रही थी नीना जी? सॉरी नीना जी, मैं सोच रही थी क्या। हाँ, what about the teen, like in your daughter you see, yeah, in these boys, the young guys that is there, you know, the young lads who are working in films nowadays, they are what much is... more confident than what we were. yeah, are hum Shyam Benegal ya in logon ke samne agar apni koi dialogue pasand na aaya ya samajh na aaya, hamari himmat to kuch nahi ki aajkal they discuss with the director. Discussion, yeah yeah, us waqt ye nahi tha jo tak subah ji ke sath baith ke baat karte the. They have discussions for hours, so they have much more confidence in themselves. Yes, and I think because of social media also they are much bright. मतलब brighter kids, they are exposed to more. Kids, exposed yeah. to so much. So more. Much more. हम तो लल्लू थे उस उम्र में. You know my mother. हाँ जी. In my BA, BA you understand? Right? Yes, of course. BA में गर्लफ्रेंड्स के साथ मुझे पिक्चर देखना अलाउड नहीं था। सही बोली आप, नहीं था। ऐसे घर से हम आए हैं। और टिल कॉलेज आई यूज्ड टू थिंक इफ यू किस यू गेट प्रेग्नेंट। ओह अच्छा, मैंने नहीं देखा ये। यही वाला पोस्टर मैं आपको बता रहा था। अच्छा चाहिए, मैंने पहली बार देखा। हाँ बहुत खूबसूरत है, मेरी माँ को भी अलाउड नहीं था। देखा देखा, यही वाला आपका तो बहुत ही तो सही है, घर के पास है ना तो। हाँ, इसके ऑपोजिट में मिश्रा पान भंडार है, वो बहुत फेमस है। संजय संजय मिश्रा जी ने हमें खिलाया था वहाँ पर पान। तो आप बता रही थी, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्फिडेंस एनीथिंग एल्स? वेरी हार्ड वर्किंग, या एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टू मी, लाइक यू नो दे कैन गॉसिप विद मी आल्सो, बट दे आर रिस्पेक्टफुल आल्सो, सो दे हैव बोथ ऑफ दैट। बट आई थिंक दैट्स आल्सो अ लॉट ऑफ यू ना, आप भी ऐसी हैं, आप ऐसे गिविंग योर, या दैट्स आल्सो ट्रू, चिलर हैं। मैं भी बहुत फ्रेंडली हूं। हां, अंटिल दे डोंट परसीव यू हैज टू बी स्ट्रिक्ट। नहीं फिर बाद में खुल जाते, बाद में बोलते अरे हमको तो लगता था बड़ी स्ट्रिक्ट। हाँ बड़ा, हाँ होता है हमेशा ही। अच्छा है, डर के रहने दो। वो तेरी ऐसे आवाज पागो। बट ऐसा ओटीटी पे पिक्चर रिलीज होती है तो ऐसा और ज्यादा एक्साइटमेंट होता है क्या कि भाई लार्जर वाइडर रीच होगी उसकी? हाँ, थोड़ी सी शांति होती है, मतलब कि ये नहीं होता कि हॉल में एक भी बंदा ना आए तो क्या होगा। सही बात, एटलीस्ट लोग देखेंगे और कभी भी देख सकते हैं ना। कितने कंट्री में दिखाया जाता है ये? 170 240 240। ओह वाओ, सुपर्ब स्टफ। सो ऑन द 8th 240 में इकट्ठी दिखेगी। हाँ, फिर वर्ड ऑफ अगर अच्छी लगी तो वर्ड ऑफ माउथ से फिर देखेंगे। सही बात है, पर मजा आया, मजा आया आप लोगों को? मजा आया क्या? मेरे को बहुत मजा आया, बस मेरी जान। लेकिन आप लोगों को मेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा अकेले अकेले एपिसोड, क्योंकि आप दोनों बहुत डिमांडेड लोग हो हमारे शो पे। मस्त में रहना।